So dear children, as you all know, these days we are talking about means of transport, hai na? And I told you about land transport and water transport. And before starting today's class, I want to ask you something. Okay, ma'am aapse kuch pooch rahi hai, aap uska answer denge. Maine aapko land transport ke baare mein bataya na, to can you name few land transport? Bata sakte hain aap? Yes, bus, car, scooter, bicycle, train, truck. These are land transport. है ना बच्चों? Land transport कहाँ चलते हैं? Land पर चलते हैं. इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? Land transport बोलते हैं, है ना? And can you name few water transport? Yes. Ship, boat, yacht, submarine. These are water transport. वो कहाँ चलते हैं? Water में. And today I am going to tell you about air transport. Air means क्या होता है बता आपको? Air means हवा. यानी जो transport, जो means of transport कहाँ चलता है? Up in the sky, हवा में चलता है. हाँ, उसको बोलते हैं air transport. ठीक है बच्चों? तो आपने देखा होगा है ना, आसमान में कुछ means of transport होते हैं जो आसमान में चलते हैं. बताओ कौन कौन से होते हैं? बताओ. Yes. एक क्या होता है देखो, what is this? This is a helicopter. और ये कहाँ चलता है? Up in the sky. This is a helicopter. And और मेरे पास क्या है देखो, this is an aeroplane. Okay बच्चों, और ये भी कहाँ चलता है? हवा में चलता है ना? तो देखो, this is a helicopter and this is an aeroplane. Okay, तो आपको इनमें difference क्या दिख रहा है? देखो, इसमें एक fan होता है ना, और इसमें fan नहीं होता है. आपने देखा होगा जब भी आसमान में हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन आते हैं, आप बाहर दौड़ दौड़ के जाते हो, इसकी आवाज सुन के जाते हो ना. मैं भी जाती हूँ. अच्छा लगता था आपको सुनना? देखो, तो आपको पता चला टू मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. ओके, अब हम देखेंगे व्हाट इज दिस. दिस इज अ रॉकेट, है ना? और ये भी कहाँ चलता है? आसमान में चलता है ना? And this is hot air balloon. देखो, ये बलून के शेप का होता है और कहाँ? ऊपर आसमान में जाता है ना. This is hot air balloon. ये तो आपको पता चला means of air transport, है ना? और मैं कुछ आपको बताती हूँ बेटा. जो आपको मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इट टेक्स अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना? ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हम कहाँ जाते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो एयर ट्रांसपोर्ट जो होता है, मतलब जो हवा में चलता है ट्रांसपोर्ट, वो सबसे एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब सबसे महंगा होता है. इस ट्रांसपोर्ट में जाने के लिए हमको सबसे ज्यादा रुपीज खर्च करने पड़ते हैं. आपको पता है ना, हम कहीं जाते हैं तो टिकट लेते हैं, लेते हैं ना? बिना टिकट को हम कहीं नहीं जा सकते. उसके लिए हमें क्या खर्च करना पड़ता है? रुपीज खर्च करने पड़ते हैं, मनी देनी पड़ती है, फिर हमको टिकट मिलता है. तो जब हम एयर टिकट लेते हैं ना बच्चों, यानी जो हवाई जहाज का हम क्या लेते हैं? टिकट लेते हैं, वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है. ठीक है, एक्सपेंसिव मतलब ज्यादा पैसे लेने पड़ते हैं. और ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होता है. एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हम सबसे जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं. कभी हमें इमरजेंसी होती है ना, कहीं जाना होता है, हमें अर्जेंट जाना होता है, तो हम क्या लेते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट लेते हैं. ये सबसे महंगा और सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है बच्चों? और सबसे सस्ता कौन सा होता है? रेल. ट्रेन की हेल्प से हम सबसे कम रुपीज में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. ट्रेन इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके बच्चों, तो आज की क्लास में आपको एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पता चला ना, तो कल मैं आपको कुछ और बताऊंगी.